Now resell designer blouses at Antony. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स क्रैक एसएससी पर। तो भाई जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें, और आई होप वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से एक बार बेटा लाइक जरूर कर दो। एक बार देखो लाइक तो करना ही पड़ेगा, नहीं एक बार वीडियो को सभी लोग, जितने लोग भी हैं सभी लोग एक बार वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें। ओके एक बार वीडियो को लाइक कर दें, लिंक को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके अच्छा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करोगे तभी आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। ठीक है ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, कि भैया हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके बारे में हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनसे रिलेटेड जो भी क्लासेस होती हैं वो तो बिल्कुल ही मिस नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि भाई वो मिस हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल 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 सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस जिनकी स्टार्टिंग 17 मार्च 2021 से है, तो जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं जिनकी क्लास 17 मार्च से हो रही है उनको आप फॉलो करिए। बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी प्रिपरेशन आपका अनअकैडमी है, जो कि आपको पता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बेस्ट एजुकेटर की बात करते हैं, तो जैसे नीरज साहिल, ठीक है, खंडेवाल पवन, राव अभिनय, शर्माश अमन, ठीक है, वशिष्ठ हो गए, प्रतिज्ञा मंत्रा हो गई, रानी सिंह हो गई, अंकित अवस्थी हो गए, वरुण अवस्थी हो गए, तो ये सब क्या है, हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मुझे बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इनकी क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जितने भी आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम है 17 मार्च से उसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, कॉम्बैट के बारे में पता है। ओके चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग आ जाइए भाई, जितने लोग हैं सभी लोग आइए तभी क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं तो क्लास कैसे स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, मजा ही नहीं आएगा क्लास को डिस्कस करने में, राइट। मनीष पटेल, विशाल, सौरभ, सुतार, हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो भाई अगर हमारे बारे में जानकारी चाहिए तो सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ऐप पर कनेक्ट होना चाहते हो तो आपको डालना है यहाँ पर लेट्स क्रैक एसएससी। जैसे ही आप लेट्स क्रैक एसएससी डालोगे यहाँ पर आप टेलीग्राम ऐप पर कनेक्ट हो जाओगे, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अदर पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगी यहाँ पर। यहाँ पर शेड्यूल को फॉलो करिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शेड्यूल को फॉलो करिए, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस लीजिए यहाँ पर, तभी आपको फायदा होगा बहुत ज्यादा। ठीक है बेटा,
इसके अलावा और बात करें तो डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी फैसिलिटी चाहिए। तो हमको करना क्या है, कोर्स को करना है परचेज। अब कोर्स को परचेज करने के लिए हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके कोर्स को सेलेक्ट करना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा कोर्स तो यही है। उसके लिए आपसे कोड मांगेगा, आप लगाना कोड SANGEETA। इस कोड को लगाओगे तो आपको 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा। ठीक है बेटा, मनोज कुमार जय हिंद, राधे राधे। तो चलें भाई पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, टफ मतलब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं साइंस से रिलेटेड, और मुझे लगता है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए रखा है, तो प्लीज कोशिश करिएगा। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है, आप कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो मैं तो बताने के लिए बैठी हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी है? कहोगे मैडम ये तो इजी है, बेटा आगे आगे देखो क्या होता है। मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी है? 11, 16, 22, 23, कितनी जोड़ी है? टफ है आज का सेशन, तो कोशिश करना अच्छे से देना। ठीक है, मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी है? इतना टाइम लगेगा? यार बहुत स्लो आंसर दे रहे हो तुम लोग। 46 राइट आंसर, 22 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होती है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको मुझे राइट आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अभी 5 दिन पहले की बात है, यहाँ पर 80-80 बच्चे हो रहे थे, सिर्फ 3 दिन क्लास नहीं ली, ये हालत है कि लग रहा है लोगों को क्लास होगी नहीं। ऐसे थोड़ी ना यार। ओके, राइट आंसर इज ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के अधिकांश लिंग सहलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं, एक्स गुणसूत्र में, वाई गुणसूत्र में, ऑटोसोम्स में, या फिर इन सभी में? आप बताइए मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बच्चा लोग, सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक्स, एक्स गुणसूत्र में मनोज कुमार ने दिया आंसर, तो राइट आंसर है, वेरी गुड, क्या बात है आज सृष्टि कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होगा? पिता के लिंग गुणसूत्रों से, शुक्राणु के माप से, अंडाणु के माप से, या फिर माता के लिंग गुणसूत्रों से? हेलो सृष्टि, फटाफट आंसर दो बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो राइट आंसर क्या है, पिता के लिंग गुण सूत्रों से. वेरी गुड वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बॉडी कहाँ होता है, शुक्राणुओं में, पुरुष की दैहिक कोशिकाओं में, अंडाणुओं में, या फिर स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में. कैलाश भी आ गए हैं, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है. प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. ओके, तो राइट आंसर है स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके बच्चे कैसे होंगे. इफ अ कलरलेस वूमेन, ठीक है, मैरीज अ नॉर्मल मैन, विल शी हैव अ चिल्ड्रन. बायो की नहीं है, बट मैं हर दिन बेटा जीएस के एक पार्ट लेकर चलती हूँ, कभी मिक्स रहते हैं, कभी कोई शब्द टॉपिक रहता है. ओके, बताइए, सोचिए अपने दिमाग से, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे. सिक्स्थ का सी, तो राइट आंसर है कि वर्णांध पुत्र एवं पुत्रियां. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है, हरे व पीले, लाल एवं पीले, लाल एवं हरे, या फिर सभी रंग. बताइए बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. गुड इवनिंग राखी गौतम, गुड इवनिंग. क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, वर्णांध व्यक्ति विच कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश, लाल और हरा. कैलाश ने आंसर दिया है, मनोज ने लाल व हरा दिया है, वेरी गुड. राखी ने भी लाल एवं हरा दे दिया है, तो जो राइट आंसर है वो है लाल एवं हरा, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को क्या कहते हैं, जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को क्या कहते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर. चलो एक बार हम चेक कर लेंगे, ठीक है, कल की क्लास में बताएंगे, अभी आप जो आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए. जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को क्या कहते हैं, उत्क्रमित उत्परिवर्तन, अग्रगामी उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, या फिर क्रोमोसोमी उत्परिवर्तन. मुझे दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से. फटाफट बेटा फटाफट आंसर दो. ओके, तो राइट आंसर है बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग की एक उत्कृष्ट उदाहरण, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, या फिर इनमें से कोई नहीं. आप दीजिए इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से. थोड़ा सा कोशिश करो कि जल्दी आंसर दो, है ना. नाइन्थ का बी आ रहा है तो देख लेते हैं. राइट आंसर है हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राण घातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है? विच एंजाइम इज नॉट सिंथेसिस्ड इन फैटल म्यूटेशन? भाई सबके आंसर गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करो सही आंसर देने की, और जहां पर थक जाना वहां बताना, आपका मूड फ्रेश करने के लिए करंट अफेयर्स है मेरे पास, ठीक है। प्लीज कोशिश करिए जल्दी से आंसर देने की। 10th का ए, बट राइट आंसर है आर एन ए, पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है इज एक्सटिंक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन। रंजकहीनता, हंसियाकार, रुधिराणु एनीमिया, वर्णांधता या हीमोफीलिया। जल्दी से बेटा आंसर दो, ओके। राइट आंसर है हंसिया का रुधिराणु एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन किस में होते हैं? इंट्रोज, सिंट्रोज, प्रोटीन्स या फिर आरएनए? जल्दी बताओ। बारहवें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, थोड़ा सा प्लीज जल्दी स्पीड बढ़ाइए। ओके, राइट आंसर है सेंट्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं, एक्सॉन्स में, रेप्लिकॉन्स में, इंट्रोज में या इनमें से कोई नहीं? चलो भैया इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर जल्दी से बता दो क्या होगा। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं। तो राइट आंसर है एक्सॉन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारक अनुक्रम यू 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 किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? मिथियोनिन का, फिनाइल एलानिन का, ल्यूसीन का या फिर ग्लाइसीन का? हेलो एपीजे अब्दुल कलाम सर जी, मोटिवेशन। हेलो, 14th का आंसर दीजिए। कोई बात नहीं, कैलाश, एपीजे, मनोज, राखी, विश्वास, टेंशन मत लो, गलत होगा। मैंने पहला ही वर्ड बोला था कि शायद आज आप लोग के आंसर गलत हो, पर मुझे खुशी है कि आप लोग लगातार आंसर दे रहे हो। तो राइट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अमीनो अम्ल में के लिए तीन क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं, बताइए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं सोच रही हूं हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, लोगों की आज के क्वेश्चंस में हालत खराब हो रही है। राइट, ओके, राइट आंसर है कोड़ान। चलो भाई,
अब आते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस पर जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर और आपको देना है क्या करेक्ट आंसर कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा? तो राइट आंसर बताते हैं क्या है। होशंगाबाद, होशंगाबाद एमपी की बात आई है। एमपी की कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है आनंदी बहन पटेल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान। आपको पता होगा कि जो एमपी की गवर्नर है वही आपकी यूपी की भी गवर्नर है। एमपी में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एमपी हैज अनाउंस टू लॉन्च सांस कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी। बहुत सारे पॉइंट्स सामने आपके लिखे हुए हैं जो एमपी के रिगार्डिंग है, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, बस उसको वन लाइनर में यहां पर डाला गया है। ठीक है बेटा, आते हैं एमपी में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क पता होगा, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहां पर है? ये आपके एमपी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नवा ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता? निम्नलिखित में से किसने नवा ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने नवा ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता है? पांचों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से, कैलाश का आंसर आया नोवाक जोकोविच। तो देख लेते हैं क्या नोवाक जोकोविच सही है। तो बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको पता है नोवाक जोकोविच किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? नोवाक जोकोविच किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा द्वारा शुरू किए गए दमन जहाज के सम्मान के किस गणतज्ञ का नाम रखा गया था? देखो, क्वेश्चन मैंने बोल दिया है और आपको मुझे आंसर देना है। पांचों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बस करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। सेवैया नहीं है भाई, सर्बिया है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर। अब बात आई नासा की, तो नासा का एस्टेब्लिशमेंट है 1958, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है जिम, और नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके ओके ना, चलें आगे बढ़ें। किस राज्य के सीएम ने पूर्वी भारत में एक कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है? जल्दी बताओ बेटा, मनोज, विजय, राखी, विकास, सभी लोग आंसर दो। निम्न राज्यों में से
सीएम ने पूर्वी भारत में कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है? जल्दी बताइए बेटा, क्या होगा करेक्ट आंसर? अलग अलग आंसर हाँ, मिजोरम को या आसाम। तो राइट आंसर आसाम। वेरी गुड मनोज कुमार, असम या मिजोरम नहीं है, असम है। ठीक है, ये वहां पे या नहीं लग पाएगा ना, वहां पे तो आंसर पता होना चाहिए। ठीक, असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, सीएम है बताओ भाई सर्बानंद सोनोवाल। असम जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क बहुत फेमस है, जो कि असम में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वर मावरिक मसीहा नामक पुस्तक किसने लिखी? हाल ही में वर मवरिका मसीहा नामक पुस्तक किसने लिखी? जल्दी दीजिए आंसर। चलो भाई, इतना टाइम लगाओगे आंसर देने में? तो राइट आंसर है, वेरी गुड, सी आंसर दिया था राखी ने, तो बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। द फर्स्ट प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस विल स्टार्ट ऑन डैश रूट। द फर्स्ट प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस विल स्टार्ट ऑन डैश रूट। बताओ भाई क्या होगा? तो राइट आंसर है दिल्ली जयपुर। ओके, सीएम है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कंडक्टेड टू सक्सेसफुल लॉन्चेस ऑफ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट सरफेस टू एयर मिसाइल? राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? डीआरडीओ। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, पता होगा आपको। एस्टेब्लिशमेंट 1958 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्सन एंड टूब्रो हैज डिलीवर द 100th एंड फाइनल K9 बाजरा टू इंडियन आर्मी। दीज K9 बाजरा हविटर हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाँ, इसमें हिंदी में नहीं हो पाए हैं। ओके, राइट आंसर है हाजीरा। आर्मी चीफ ऑफ इंडिया कौन है? मनोज मुकुंद मनरवाने हैं। एयर राकेश सिंह भदौरिया और नवल एडमिरल करमबीर सिंह। बहुत पूछा जाता है इसलिए याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्फूर्ति? बताइए किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया स्फूर्ति?
जल्दी से बच्चा लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। ओके, राइट आंसर MSME मिनिस्ट्री। स्फूर्ति स्टैंड फॉर स्कीम ऑफ फंड एंड रेजिग्नेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग विल को चेयर दिस ईयर एट एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। सर इतने फैक्ट्स देने के बाद भी और फैक्ट्स चाहिए, ओफो। चलो भाई देखते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। पुणे इंटरनेशनल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट एन ऑर्डिनेंस दैट विल गिव को ओनरशिप राइट्स टू द वुमेन इज द एंस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड। ओके, राइट आंसर क्या है? पिक को बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में लेकर आएंगे, परेशान मत हो, इंग्लिश में हो गया जबकि पीडीएफ में हिंदी में भी है। हाँ बिल्कुल हिंदी में भी है, मैं ऐसा करूंगी मैं पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। यूके कैपिटल है देहरादून, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि अब हट गए हैं। अब मुझे यहां पर आप लोग आंसर दो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है, तो अब इस्तीफा देने के बाद नए सीएम का नाम बताइए जल्दी से, जल्दी से बेटा मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द स्टेट ऑफ यूपी विल एक्सपोर्ट अ कंसाइनमेंट ऑफ 20 टन्स ऑफ काला नमक राइस सिंगापुर फ्रॉम। हाँ जी बच्चा लोग आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओके, राइट आंसर इज सिद्धार्थ नगर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आपको यूपी के बारे में जितनी भी चीजें पता ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु वॉन द बेस्ट एक्टर इन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। हाँ जी बेटा जल्दी से मुझे बताइए ना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो भाई राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, अक्षय कुमार। राइट आंसर इज अक्षय कुमार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच स्टेट हैज बिकम Which state has become the first one to table a paperless budget?
चलो भैया इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जल्दी से दो मुझे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट। ओके राइट आंसर इज यूपी। ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन नारायण स्वामी सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन, ही वॉज सर्विंग एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। आप मुझे इस क्वेश्चन का प्लीज जल्दी से आंसर बताइए। चलो भाई राइट आंसर इज पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम जिन्होंने रिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेब 2021 द आरबीआई हैज ब्रॉट विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अंडर इट्स रेगुलेशन। बेटा मुझे किसी के भी कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। मुझे किसी के भी कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है तो इससे परेशान मत होना, मुझे एक भी लोग के कमेंट्स नहीं, बस ये दिख रहा है कि कितने लोग लाइव हैं। ओके राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी टू ईस्टर्न इंडिया विल कम अप इन डैश। ओके राइट आंसर इज दिसपुर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसपुर कहाँ, आसाम की कैपिटल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड बिना ज्योति स्कीम। ओके राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर चलो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। एलआईसी जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1 सितंबर 1956, हेडक्वार्टर है मुंबई, चेयरमैन है टीसी सुशील कुमार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ऑफिशियल पार्टनर इन द 13th एडिशन ऑफ आईपीएल। बताइए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो ये पहले की करंट है, फिर भी आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, अन एकेडमी जिसपे आप पढ़ते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम रिसेंटली गेट द GI टैग, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर नन ऑफ दीज।
ओके तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, कमेंट नहीं दिख रहा है, मुझे पता है कई लोगों ने आंसर दिए होंगे, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट VLSRSAM मिसाइल सिस्टम रिसेंटली? पोखरण, बालासोर सॉरी सी चांदीपुर, ले या फिर नन ऑफ दीज? आप मुझे इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर बताओ। बिल्कुल जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। ओके राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? चांदीपुर, डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी सतीश रेड्डी, मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम। ओके एस्टेब्लिशमेंट 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव्ड सोच गोल्ड अवॉर्डेड द स्टॉपिंग कोविड-19? चलो भाई देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अयोध्या। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द इंडियन आर्मी वॉज असाइंड द 100th एंड लास्ट K9 बाजरा विच वाज मेड बाय होम? डीआरडीओ, HL, VEL, LNT, डीआरडीओ। लोग इस पे क्या लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता होगा आप लोगों को, नहीं आईपीओ परचेज कर। हाँ जी बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इतना सोच सोच के आंसर नहीं देना है आपको, बता दूं करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है LNT। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू हेड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन? बताइए हु बिकेम द न्यू हेड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन? बताइए बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हु बिकेम द न्यू हेड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन? जल्दी से राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मक्तार दियोब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू अक्रॉस इंटरनेशनल ओशियन? दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दीजिए। चलो भैया जल्दी से दे लो आंसर, है ना? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, जैस्मीन हैरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? यार मुझे देखो किसी के कमेंट नहीं दिख रहे, लाइव चैट नहीं दिख रही, अभी दिख रही थी पर पता नहीं क्या हुआ लाइव चैट दिख नहीं रही है मुझको। बट आप रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, लगातार आंसर देते हुए चलेंगे। ओके तो राइट आंसर इज कर्नाटका, सीएम येदियुरप्पा, गवर्नर वाजुभाई वाला, कैपिटल बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी ओपन? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी ओपन? बताइए जी जी जल्दी से इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दीजिए।
ओके राइट आंसर इज तिरुवंतपुरम. सीएम पिनरई विजयन, कैप्टन तिरुवंतपुरम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट ए के रंजन रोट अ बुक टाइटल एग्रीकल्चर एक्ट 2020. ओके राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मद्रास हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द आरबीआई इंट्रोड्यूस ई कुबेर पेमेंट सिस्टम. वेयर डिड द आरबीआई इंट्रोड्यूस ई कुबेर पेमेंट सिस्टम. ओके राइट आंसर क्या कह रहा है, जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच बैंक हैज वॉन द वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस अवार्ड. चलो भाई इसका भी जान लेते हैं राइट आंसर क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. आई होप सभी लोग आंसर दे रहे होंगे राइट. एस्टैब्लिशमेंट 1919, हेडक्वार्टर मुंबई, सीईओ राज किरण राव, टैगलाइन गुड पीपल टू बैंक विद, बहुत पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अलाउड वुमेन टू एंटर द आर्म फोर्स. ओके राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, राइट आंसर है सऊदी अरब. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द अवेयरनेस कैंपेन ऑन साइबर फ्रॉड बाय आरबीआई. चलिए जल्दी से बताइए. तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वायरस. आरबीआई की बात आई है 1 अप्रैल 1935, एक्ट की बात करें 1934, नेशनलाइजेशन की बात करें तो 1949. बहुत पूछा जाता है बेटा, बहुत ज्यादा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री लॉन्च्ड ग्रीन पास फॉर पीपल विथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स. दीजिए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए जल्दी से. ओके 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 राइट आंसर इज इज़राइल. कैपिटल जेरूसलम, पीएम बेंजामिन, करेंसी शेकल, प्रेसिडेंट ड्यूविन रिवलिन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च द कार्बन वॉच ऐप. विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च द कार्बन वॉच ऐप. दीजिए आंसर जल्दी से. ओके
राइट आंसर क्या कह रहा है? राइट आंसर कह रहा है चंडीगढ़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच इंडियन स्टेट असेंबली द नेशनल एंथम वॉज प्लेड आफ्टर ऑलमोस्ट 60 ईयर? नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम. यहां पर एक चलिए, राजस्थान, मिजोरम, नागालैंड, आसाम. बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर. जल्दी से बताओ. ओके, तो राइट आंसर इज नागालैंड, जिसके सीएम है नेफ्यू, गवर्नर है आर एन रवि, कैपिटल है कोहिमा. ओके ओके, क्लियर क्लियर है, सभी को क्लियर है. चलो भाई, मैं आपको बता दूं कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो एक बार लाइक प्लीज जरूर करना. भले मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखे, बट मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने लगातार आंसर दिए हैं. ओके, तो थैंक यू सो मच क्लास, लगातार बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. और प्लीज, बच्चे बहुत कम हो गए हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरी 3 दिन क्लास नहीं हुई. पर लेकिन प्रॉब्लम किसी टीचर की भी समझो बेटा, अगर नेट नहीं आ रहा तो मैं क्लास कैसे ले लूंगी. बट मैंने ऑफलाइन वीडियो दे रखे थे, ऑफलाइन वीडियो लगे हुए हैं, आप लोगों ने देखा नहीं, वो थोड़ी सी मिस्टेक आप लोग की भी है. तो प्लीज, अगर कभी वीडियो नहीं आता तो एक बार चेक जरूर करो, क्योंकि आप लोग अगर देखते हो तो लेक्चर अगर देखते हो रोज तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा मेरी क्लास का, चाहे वो रिकॉर्डेड हो और चाहे वो लाइव हो. ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए, कोड का ध्यान रखिए. कोड क्या है? SANGEETA, ये कोड है मेरा. थैंक यू लगातार बने रहने के लिए. इस कोड से आपको 10% का ऑफ मिलेगा. बाकी मैं भी आपको बता दूं, 10:25 PM पर अभी मेरी ऐप पर क्लास होगी, तो वहां पर भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग GS के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो प्लीज कोशिश करिए, वहां पर लगातार बने रहिए. ओके भाई, सॉरी मुझे आप लोग का बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, बट फिर भी जितने लोगों ने आंसर दिया और समझा भाई, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद लगातार आंसर देने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का. ओके चलो भाई, इसी तरह बने रहना. कल रात में 8 बजे फिर से क्लास होगी. कल YouTube फेस्टिव है और आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा. सुबह 7 बजे मेरी ऐप पर क्लास होगी, एक मेरी सुबह 7 बजे ऐप पर क्लास होगी और रात में 8 बजे YouTube पर होगी. एंड 10:30 पर मेरी क्लास आपको मिलेगी. 10:30 पर आपको मेरी क्लास मिलने वाली है. किस पर? ऐप पर. ओके, तो ध्यान रखना है, ऐप पर आपको 2 क्लासेस मिलेंगी कल, एक 7 AM एंड 10:30 PM और 8 PM पर जो यूट्यूब पर मिलेगी क्लास. ओके, क्लियर है ना सभी को? ओके, तो सब लोग कमेंट्स में जरूर लिखिए कैसा लगा सेशन.